हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्लेवर फेस्ट विद दिया में। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सफ़ेद पुलाव। पुलाव तो आपने बहुत तरीके के खाए होंगे, लेकिन मैं आपको आज बनाने दिखा रही हूँ सफ़ेद पुलाव। तो देखिए, मैंने कुकर में ऑयल पहले से गर्म कर लिया था और उसमें मैंने लंबी लंबी प्याज कट करके डाली है, गोभी डाली है और थोड़े से आलू कट करके डाले हैं। और हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, पकाएंगे। और देखिए, मैंने इसमें डाले हैं टमाटर के पीस, वो भी थोड़े से बड़े कट करके, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं दोस्तों, तो हमें ये सारी चीज़ें अगर अलग अलग दिखे ना तो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में भी और देखने में भी। और मैंने इसमें थोड़े से मटर भी ऐड कर दिए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और हमने सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई कर ली हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। लगभग 2 से 3 मिनट तो लगता है थोड़ी चीज़ों को फ्राई करने में। और अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल दोस्तों हमने धो लिए थे, अच्छे से वॉश कर लिए थे पानी में, और अब इसमें मैंने कुकर में डाल दिए हैं चावल को और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी। पानी आपने जितने चावल लिए हैं आप उतने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा भी चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, और सारी चीज़ें अच्छे से मिला देंगे। और ये मैंने डाला है बिल्कुल सीक्रेट अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से दोस्तों हमारे जो पुलाव है ना, बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। आप कभी ट्राई करिएगा, ज़रूर बहुत अच्छे बनेंगे। और ये देखिए, 2 से 3 सीटी आने तक हमारे पुलाव जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ प्लेट में। ये देखिए दोस्तों, आपके मुँह में ज़रूर पानी आ गया होगा इन्हें देखते ही। और अब आपने सोचा होगा कि हम इसे जल्दी से जल्दी ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। और मैंने इस पे बटर डाल के ट्राई किया है।